बाबर आजम ने कल के मैच में यह साबित कर दिया है कि बड़ा प्लेयर किसी भी नंबर पर आकर खेले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तमाम बातें जो की जा रही थी कि अगर बाबर आजम को ओपनिंग से हटाया जाएगा और वन डाउन खिलाया जाएगा तो बाबर आजम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे कि जिस तरीके से वो ओपनिंग करते हुए कर रहे थे। उनके स्ट्राइक रेट में हो सकता है बेहतरी नज़र ना आए, बल्कि उनके स्ट्राइक रेट में डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। बाबर आजम ने उन तमाम बातों को अब ख़त्म कर दिया है। जिस तरीके ने से बाबर आजम ने पहले T20 मैच के अंदर खेला, जिसके बाद जो है बाबर आजम ने कल के मैच में जिस तरीके से खेला, तमाम उन लोगों को बाबर आजम ने जवाब दे दिया है जो ये बातें कर रहे थे कि बाबर आजम को अब टीम से बाहर निकल जाना चाहिए, कि उनकी T20 में कोई जगह नहीं बनती। बाबर आजम ने कल जिस तरीके से स्टेबिलिटी दिखाई, बहुत ही उम्दा था। एक बात सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है कि जिस तरीके से MCG के अंदर 18 बॉलों पर 48 रन चाहिए थे और विराट कोहली सामने खड़े हुए थे और विराट कोहली ने वो मैच जितवा दिया। याद रहे कि विराट कोहली के साथ दूसरे एंड पर हार्दिक पांड्या भी खड़े हुए थे। अगर यहाँ पर बाबर आजम खड़े थे, लेकिन हमारे दूसरे एंड पर कौन खड़ा था ये भी आपने देखना होगा। क्यों? क्योंकि इफ्तिखार अहमद ने जिस तरीके से कल बैटिंग की, इफ्तिखार अहमद के बाद आजम खान ने जिस तरीके से बैटिंग की, और उसके बाद जो है फिर आमिर जमाल, उसामा मीर और शाहीन शफरीदी, कोई भी खड़ा नहीं हो सका। मतलब अगर एक बंदे पर तंकीद की जाएगी तो तमाम लोगों पर तंग आवाज़ें उठेंगी। हमारे कल सिर्फ जो खेला है फखर जमान ने खेला है, और कल बाबर आजम ने ही खेला है। तो आवाज़ें कसने के लिए ये मतलब आवाज़ें कसने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन तारीफ़ करने वाले हमेशा कम नज़र आते हैं। दूसरी तरफ एक चीज़ है बाबर आजम के हवाले से जो कि एक हकीकत है, कि बाबर आजम की जो फिटनेस है वो अभी उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। और डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने इस बारे में इजहार किया कि बाबर आजम को चाहिए कि वो अपने वेट पर काम करें, और जो वेट ट्रेनिंग होती है जिस तरीके से विराट कोहली जिस पर जो काम कर रहे हैं और बाकी टेनिस प्लेयर्स स्टार्स वगैरह जो करते हैं वेट लिफ्टिंग वगैरह, वो तमाम चीज़ें अब बाबर आजम को करनी होंगी अकॉर्डिंग टू डेविड वार्नर। तो ये एक चीज़ है कि बाबर आजम जो हैं वो वेट गेन कर रहे हों, उनको फिटनेस पे काम करना होगा, क्योंकि उनके जो शॉट्स आते थे वो इसी वजह से आते थे कि उनके अंदर एजिलिटी बहुत ज़्यादा थी। दूसरी तरफ एक चीज़ सामने आई कल के मैच में इफ्तिखार अहमद के हवाले से, कि इफ्तिखार अहमद फील्डिंग कर रहे थे और पीछे से किसी फैन ने चाचू की आवाज़ लगा दी। जब किसी फैन ने चाचू की आवाज़ लगाई तो इस पर इफ्तिखार अहमद जो है वो आग बगुला हो गए और उन्होंने कहा ये नहीं करो। तो इस पर फैन ने कहा कि मैं आपका फ़ैन हूँ और आवाज़ कसने से कुछ नहीं होता, मैं आपकी तारीफ़ ही कर रहा हूँ। तो दोनों के अंदर जो है गर्मा गर्मी हुई, और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इफ्तिखार अहमद एक अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन याद रहे कि इफ्तिखार अहमद अगर ग्राउंड पर इस तरीके से फैंस को डांटेंगे और पिच पर आकर कुछ नहीं करेंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला। इफ्तिखार अहमद को परफॉर्म करना होगा। इफ्तिखार अहमद की बहुत बड़ी बारियां रहती हैं अभी पाकिस्तान के लिए, और इफ्तिखार अहमद की लास्ट इनिंग जो आई थी वो वर्ल्ड कप के अंदर ही आई थी। तो इफ्तिखार अहमद ने भी अपने आप को देखना है कि किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करना है। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें किस तरीके से परफॉर्म करना है। याद रहे कि PSL की परफॉर्मेंस जो है वर्ल्ड कप पर असरअंदाज नहीं होती। अगर आप PSL में परफॉर्म करेंगे आप टीम में जगह बना सकते हैं, लेकिन आप वर्ल्ड कप नहीं जितवा सकते। तो